नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या जैन। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर और बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर से मिल रही है, जहां पर भाजपा ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। यहां बची हुई चार विधानसभा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कसडोल, बेमित्रा, बेलतरा और अंबिकापुर के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि बेलतरा से सुशांत शुक्ला, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। वहीं कसडोल से धनीराम धीवर और बेमित्रा से दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। यहां चार नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। वहीं बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमित्रा से दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह भाजपा ने 90 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा शर्मा जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी चौथी और अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें चार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। क्या कुछ जानकारी है कैंडिडेट्स को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जहां सस्पेंस बरकरार था कि भाजपा के चार प्रत्याशी अभी भी शेष हैं, बचे हुए हैं, ऐसे चार प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भाजपा की ओर से कर दिया गया है। कसडोल, बेमित्रा, बेलतरा और अंबिकापुर क्षेत्र से प्रत्याशियों के नाम आने बाकी थे, तो चार प्रत्याशी इस वक्त बेलतरा से जहां सुशांत शुक्ला, अंबिकापुर जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण सीट है, यहां से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है भाजपा की ओर से। दूसरी ओर देखें कसडोल में धनीराम धीवर और वहीं दूसरी ओर बेमित्रा जो कि पेच फंसा हुआ था भाजपा के दो अन्य नेताओं के मध्य, तो यहां से दीपेश साहू को टिकट दिया गया है। सौम्या, खासतौर पर देखा जाए जो अंबिकापुर क्षेत्र है, इस अंबिकापुर क्षेत्र में इस बार कांग्रेस से जो उम्मीदवारी है वो वर्तमान मंत्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव उनके अपोजिट में, उनके विरोध में भाजपा ने इस वक्त राजेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। जाहिर सी बात है ये एक समीकरण सामने जरूर आ रहा है। ये कहा भी जा रहा है कि जहां टी एस सिंहदेव की पकड़ अच्छी है, उन्हीं क्षेत्रों में राजेश अग्रवाल का भी दबदबा है। ऐसे में एक कड़ा मुकाबला अंबिकापुर क्षेत्र से भाजपा और कांग्रेस में हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर बेमित्रा क्षेत्र का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बेमित्रा क्षेत्र में भाजपा के ही ओर से दो अन्य प्रत्याशियों के नाम लगातार चर्चा में थे, जिसमें से एक वायरल सूची में नाम राहुल टिकरिया का था। वहीं दूसरी ओर शर्त पर भाजपा ज्वाइन किए जेसीसीजे के नेता योगेश तिवारी, उनकी यही शर्त थी कि उन्हें भी बेमित्रा क्षेत्र से ही प्रत्याशी बनाया जाए। ऐसे में ये दो नेताओं के मध्य एक मुकाबला देखने को मिल रहा था भाजपा में ही, लेकिन भाजपा ने अपना तीसरा कार्ड खेल दिया और यहाँ से उनके द्वारा दीपेश साहू को टिकट दिया गया है। जाहिर सी बात है साहू फैक्टर काफी कुछ काम यहाँ पे आने वाला है। वहीं बेलतरा, जहाँ पे कांग्रेस की ओर से विजय केसरवानी को जो कि वर्तमान में टिकट दिया गया था, तो भाजपा ने बेलतरा क्षेत्र से सुशांत शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पे भी माना जा रहा है कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कसडोल क्षेत्र में, जो कि कसडोल में वर्तमान विधायक जो है वो कांग्रेस की रही, लेकिन कांग्रेस ने भी इस वक्त अपने प्रत्याशी का नाम को काटा है। जो वर्तमान विधायक थी उनका नाम काट करके यहाँ पे संदीप साहू को उनके द्वारा टिकट दिया गया है। तो कसडोल क्षेत्र से ही धनीराम धीवर को भाजपा ने अपना प्रत्याशी उनके विरोध में उतारा है। तो ऐसे चार नाम का ऐलान इस वक्त भाजपा की ओर से। और अब सीधे तौर पर देखें तो दोनों ही दल के तमाम सभी जो 90 क्षेत्र हैं, सभी 90 क्षेत्रों में दोनों ही दल ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। महामुकाबला दोनों ही दल के मध्य इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकेगा। सौम्या जी, आकांक्षा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।